गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा जो FDP का टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लर्निंग। तो आज के इस टॉपिक में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि क्लास में मैक्सिमम लर्निंग के लिए कौन कौन से वो विशेष पॉइंट हैं जिनको हमें याद और ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर हम पॉइंट को फोकस करें तो मुझे लगता है कि लर्निंग की दिशा में हम बच्चों को ज्यादा सिखा पाएंगे। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले तो आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट और थोड़ा सा कि लर्निंग क्या है। तो जब क्लासरूम मैनेजमेंट की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर क्लासरूम स्ट्रांग नहीं होगा तो लर्निंग किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें क्लासरूम मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत होती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या? वास्तव में वो एक प्रोसेस व्यवस्था है जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए हमें एक टीचर के रूप में उसकी आवश्यकता होती है। वो व्यवस्था से अधिक और कुछ नहीं, और इसके लिए हम अपने तरह तरह से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जिससे हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और लर्निंग की दिशा में हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक सिखा पाएं। तो ये एक व्यवस्था है, इस पर बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा कि प्रैक्टिकली हम बच्चों को सिखाने की दिशा में लर्निंग अधिक से अधिक कैसे करा सकते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हम फोकस करें और लर्निंग अधिक हो। अब लर्निंग थोड़ा सा, क्योंकि लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करेंगे कि इसको ही हमें एक्सप्लेन करने की दिशा में बात करनी है। लर्निंग क्या है कि जब बालक एक तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम एक शिक्षा की बात करते हैं कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल इसी तरह से हम लर्निंग को भी ये कहते हैं कि लर्निंग इज ए प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक तरह से जन्म से मृत्यु तक हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसका बहुत विस्तार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने वर्णन भी किया है, उसकी बहुत सारे डेफिनेशन भी दी गई हैं और उनमें से कुछ डेफिनेशन को जैसे गेल की डेफिनेशन है और आपकी ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है जो कि हम लोग BED क्लास में विशेष रूप से डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल लर्निंग के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति का जो सीखा हुआ ज्ञान है हम अपनी आदत में, अपने विचारों में, अपने नॉलेज में, अपने अनुभव से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं और उस सीखी हुई चीज़ को जब हम किसी दूसरी परिस्थिति में एप्लीकेबल करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये एक लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो चुकी है। तो लर्निंग इस अर्थ में जीवन पर्यंत एक सीखने वाली प्रक्रिया के रूप में है, लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि क्लास में बच्चों की लर्निंग के लिए टीचर को किन बिंदुओं को फोकस करना है। तो उस रेफरेंस में मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और वो पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूँगा वन बाई वन। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्निंग की दिशा में उस लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स और इसी तरह से मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडियल पर्सनालिटी ऑफ द टीचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। अगर हम वैसे तो लर्निंग की दिशा में बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जनरली जब टीचर क्लास में जाते हैं कि अगर इन पॉइंट पर थोड़ा भी फोकस करेंगे तो मेरा मानना है कि लर्निंग अधिक होने लगेगी। और उसके लिए मैं थोड़ा सा वन बाई वन इन पॉइंट के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लर्निंग कैसे इन पॉइंट के आधार पर अधिक हो सकती है, हमें किस तरह से इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए जब क्लास में कोई टीचर पहुंचते हैं तो हर टीचर का जो पहला पर्पस होता है कि जो मैं पढ़ाने आया हूँ वो हमारे स्टूडेंट को अधिक से अधिक वो चीज़ को सीख जाए, उसके लिए टीचर प्लान करके आता है। अब आते ही अगर आप अपने उस प्लानिंग को क्लास में स्टार्ट कर देंगे, अपने कंटेंट को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है और अधिक नहीं होती है।
इसका मतलब क्या है कि अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। बीएड क्लास में जनरली हम लोग इस तरह की चीजें कहते शेयर करते हैं कि भाई क्लास में आए, गुड मॉर्निंग क्लास, और किसी भी तरह से कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब अटेंशन, इसी को अटेंशन के रूप में जानते हैं। अब अटेंशन का लर्निंग से देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं आज से 20-30 साल पहले की, बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, उस समय क्या होता था कि देखिए जब टीवी आया था हमारे समाज में, तो उस समय एंटीना हुआ करते थे और घर में बहुत ऊंचाई पर एंटीना लगे होते थे, और भाई बहन क्या करते थे, जब पिक्चर क्लियर नहीं आती थी, आवाज क्लियर नहीं आती थी, तो एक भाई उस एंटीना को हिलाने चला गया और दूसरा नीचे बैठ के, जैसा आप देख रहे हैं कि पिक्चर को वो बता रहा है कि पिक्चर क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। तो जैसे ही एंटीना की डायरेक्शन उस टीवी टावर से मैच कर जाती थी और वो पिक्चर भी क्लियर आने लगती थी और आवाज भी, नीचे से भाई की भी आवाज आ जाती थी, भैया भैया ओके डन सही आ गया। इसका मतलब क्या है कि क्लास में भी जब तक बच्चों की अटेंशन टीचर की तरफ नहीं होगी, जस्ट लाइक टीवी टावर एंटीना, और उनका ध्यान टीचर की ओर नहीं होगा, तब तक जब ध्यान नहीं होगा तो लर्निंग ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट जब सुन ही नहीं रहा है तो वो समझने की दिशा में नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें ये बहुत फोकस करने की जरूरत है कि हम अपने टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, उस पर विशेष फोकस करें, तब लर्निंग की दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए कि ये मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग की दिशा में किस तरह से इफेक्टिव है। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि बुक्स में जो IQ है उसके बारे में बहुत स्टडी हुई है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उसको मनोवैज्ञानिक ने फार्मूला बेस्ड कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100 करके एक इंटेलिजेंस क्वोशेंट की गणना की है, और उस गणना के आधार पर ये कहा, बताया गया कि जिनकी IQ 92 और 110 के रेंज में होती है, वे बालक नॉर्मल या सामान्य स्थिति में होते हैं, और इससे कम रेंज के बालक, जो 90 से एक तरह यहाँ तो 50 से लिया है, क्योंकि अगर हम और 50 के नीचे आते हैं तो वो ईडीएट और डल की स्थिति में बच्चे आ जाते हैं। तो क्लास में, कहने का मतलब ये है कि क्लास में जो मैक्सिमम बच्चा होता है वो सामान्य बालक होता है। और यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दुनिया के कोई भी दो ट्विंस बालक भी पूरी तरह से गुणों में समान नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। तो जब ट्विंस में डिफरेंस हो सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी में लोग कहते हैं कि इनमें तो बिल्कुल समानता है, एक को फीवर आता है तो दूसरे को भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर बच्चों का जो IQ है वो भी अलग होता है। लेकिन जब टीचर टीचिंग करने जाते हैं क्लास में, तो वो इस चीज को कहीं ना कहीं एक भूल बश या अपने किसी भी अपने आदत बश इस चीज को वो ध्यान में ना रखते हुए टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम उन बच्चों को जिनकी मेंटल लेवल सामान्य से कम है IQ, और ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड श्रेणी में आते हैं और उनकी IQ एक तरह से 110 से कहीं ऊपर, जीनियस वाले 160 के आसपास तक पहुंच गए हैं, और वो बालक हैं, तो उन सबको क्लास में एक साथ पढ़ाना और अधिक से अधिक लर्निंग कराना, ये भी टीचर के लिए अपने आप में एक टास्क होता है। और जब टीचर इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए टीचिंग करता है, तो अगर मान लिया हम लो मेंटल लेवल पे जाकर टीचिंग करते हैं, तो हमारा गिफ्टेड स्टूडेंट उस टीचिंग को पसंद नहीं करता और नहीं सीख पाता, और हम सामान्य बच्चों को ध्यान में रखे अगर टीचिंग करते हैं तो भी लर्निंग पूरे क्लास में नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें इस तरह की प्लानिंग की जरूरत होती है कि हमारे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर जिस तरह से अलग अलग बच्चा है, तो हमें अपना टीचिंग कंटेंट और हमें अपनी मेथड, अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से क्लास में लागू करना चाहिए जिससे ओवरऑल पूरे क्लास को अधिक से अधिक लर्निंग हो सके। और अगर जब हम ये चीज ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लर्निंग की दिशा में अधिक हम प्रभावी होंगे। आइडियल पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, देखिए इसे मैंने दो भागों में बांटा,
लर्निंग को ध्यान में रखें। कोई भी टीचर एक तरह से, मैंने इसको जब क्लास में लर्निंग की दिशा में बात करेंगे तो हम कहेंगे टीचर के साथ दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक चीज़ तो ये कि हाउ टू टीच क्लास, और दूसरा ये है कि हाउ टू डील क्लास। अगर टीचर को हाउ टू डील क्लास नहीं समझ आता है तो भी लर्निंग कम होगी, और यदि टीचर का कहीं ना कहीं हाउ टू टीच क्लास वीक है तो भी लर्निंग कम होगी। तो अधिक लर्निंग के लिए हमें इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखकर टीचिंग करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि टीचर के पास कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है लेकिन उसमें हाउ टू डील वाली स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होती है, इसलिए भी लर्निंग ज्यादा नहीं हो पाती है। तो हाउ टू टीच में मैंने कुछ विशेष पॉइंट को काउंट किया है। उसमें क्या है कि टीचर के पास अपनी मेथड होती है। अब कंटेंट के अकॉर्डिंग टीचर कोई भी अपना मेथड सेलेक्ट करता है, वो एक लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहे अपने कंटेंट को उससे पढ़ा सकता है, प्रोजेक्ट मेथड यूज कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर सकता है, ट्यूटोरियल क्लास आजकल अधिक से अधिक सिखाने के लिए चल रहे हैं उस मेथड का यूज कर सकता है। मतलब क्या है कि टीचर को ये डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंटेंट कि इस कंटेंट को मैं कौन सी मेथड से पढ़ाऊं जिससे लर्निंग ज्यादा हो। पता चला कि अगर मान लिया मैं एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल हूँ, अगर कोई साइंस का टीचर आपको प्लांट्स के बारे में ये समझाना चाहता है अपने बच्चों को कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और उसमें उसने लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स इन सब के बारे में उसे अपने बच्चों को बताना, तो अगर वो कोई घर से एक प्लांट्स लेकर आए और वो रियल टीचिंग एड के रूप में भी हो जाती है और वो बच्चे बिल्कुल रियल रूप में समझ पाते हैं कि अच्छा ये प्लांट्स की लीव्स होती है, ये प्लांट्स के स्टेम है, और बच्चे उसको कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाते हैं। और इसी को अगर वो उसने लेक्चर मेथड का यूज किया तो बच्चे एक तरह से सुनेंगे लेकिन लर्निंग एक तरह से टेम्परेरी रूप में होगी, परमानेंट फॉर्म में लर्निंग नहीं जाएगी। परमानेंट का यहाँ अर्थ है कि जब बच्चे अच्छे से सीखेंगे तो लंबे समय तक उस चीज़ के लिए याद रख पाएंगे। तो इस तरह से हम ये अधिक लर्निंग के लिए हमें अपनी मेथड्स के बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब इसका एक दूसरा पार्ट है एक तरह से कि हाउ टू डील क्लास। हाउ टू डील क्लास का सीधा सीधा रिलेशन होता है टीचर के बिहेवियर। अब अगर टीचर का जो बिहेवियर है वो किस कौन कौन से पॉइंट से काउंट होगा क्लास में, विशेष रूप से मैंने बहुत ही कम पिन पॉइंट को काउंट किया है, उसमें क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे सामने क्लास में जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्लास की प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तो हम लर्निंग को भी अधिक नहीं करा पाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग टीचर की होनी चाहिए। दूसरा, टीचर का मैच्योरिटी लेवल हाई होना चाहिए। तीसरा, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि अगर कोई स्टूडेंट की किसी भी तरह की कंटेंट से लेकर क्लासरूम की किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। और इस सब के लिए बहुत ज़्यादा एक जरूरी पॉइंट है, दैट इज पेशेंस, कि जब टीचर में धैर्य नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी तो वो निश्चित रूप से किसी भी प्रॉब्लम को ना तो सही से सुन पा रहा होगा और ना उसको समझ के सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से हाउ टू डील क्लास में आती हैं। तो जब हम हाउ टू डील को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम निश्चित रूप से हाउ टू टीच भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करेंगी तो निश्चित रूप से लर्निंग भी अधिक होने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। देखिए ये भी लर्निंग को इफेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जब प्राइमरी जूनियर क्लास की बात होती है तो वहाँ पर टीचर समान एक लैंग्वेज के बच्चे होते हैं और वहाँ पर किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब ग्रेजुएशन लेवल पर बात आती है तो क्लास में दो तरह से बच्चे दिखाई देते हैं। उनमें एक तो इंग्लिश मीडियम CBSE बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं,
दूसरा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे। अब ये प्रॉब्लम क्लास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। अब जैसे मान लिया अगर टीचर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है तो यूपी बोर्ड का बच्चा कम समझ रहा है, उसको उसकी लर्निंग नहीं जा रही होगी, और यूपी बोर्ड का टीचर है हिंदी मीडियम का है और वो प्योर हिंदी में लेक्चर दे रहा है तो सीबीएसई बैकग्राउंड के बच्चे को लर्निंग ज़्यादा नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट। अब ऐसे में क्या है कि टीचर को उन दोनों तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर अपनी टीचिंग और अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए टीचर की अपनी एक तैयारी होना बहुत जरूरी है, तब निश्चित रूप से लर्निंग भी ज़्यादा होगी। जब हम दोनों तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को तैयार करेंगे और उसके बाद जब हम बच्चों को बताएंगे तो निश्चित रूप से एक ओवरऑल क्लास में मैक्सिमम लर्निंग होने की दिशा में हमारा प्रयास काम करेगा। तो इस रूप में ये, और दूसरा ये कि जब कम्युनिकेशन की बात है तो उसमें एक तरह से क्या है कि टीचर अपने कंटेंट को जब तक स्पष्ट रूप से क्लियर रूप में उसका मैसेज क्लास में नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे और लर्निंग की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए लैंग्वेज के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी स्पष्ट, और जो विचारों का आदान प्रदान है वो स्पष्ट रूप में बच्चों तक जाने की जरूरत होती है, और ऐसा जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से लर्निंग सामान्य से अधिक होने लगती है। एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, देखिए एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास फिर वही मैनेजमेंट के रूप में देखिए कि सपोर्टिंग एंड डेवलपिंग ऑर्डरली एंड प्रोडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए प्रोडक्टिव, यहाँ वर्ड आया प्रोडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। प्रोडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट तभी हो सकता है जब, इससे पहले जो मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि आपका हाउ टू डील एंड हाउ टू टीच वाला एरिया स्ट्रांग होगा, जब आपके पास कंटेंट को एक्सप्लेन करने का एक अच्छा मेथड होगा, आपको हाउ टू डील वाली स्थिति आपकी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि क्लासरूम का मैनेजमेंट एक तरह से नेचुरल रूप में होगा और बच्चे सीखने की दिशा में निश्चित रूप से आपको क्लास में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ गुड क्लासरूम मैनेजमेंट ये वहीं से आएगा जब हमारा कंटेंट एरिया स्ट्रांग होगा और हाउ टू डील वाली स्थिति टीचर की स्ट्रांग होगी, तभी ये चीज हम कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए ये पॉइंट लर्निंग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब तक बच्चे के मन में सीखने की इच्छा क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, हम उसे नहीं सिखा सकते। और ये जब चीज़ टीचर अच्छे से समझ लेगा तभी टीचिंग करने की दिशा में उसका प्रयास होना चाहिए। अब देखिए जिज्ञासा को हम कैसे क्लास में बढ़ा सकते हैं जिससे लर्निंग ज्यादा हो। देखिए बच्चे कई तरह के होते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि बच्चे मीजोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एस्ट्रोवर्ट, ये तीन रूप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे अपना सेल्फ मोटिवेशन के रूप में उनके अंदर एक भूख होती है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ अपने आप से करना है। तो जब ये स्थिति होती है तो उन बच्चों के लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्लास में जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उनके आधार पर कई बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि हम उनको कैसे मोटिवेट करें जिससे वो सीखने की दिशा में उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में कुछ कार्य कर सकते हैं, उनका सेल्फ मोटिवेशन अपना हो सकता है, बच्चों के साथ ही वो जिसे हमने पीयर मोटिवेशन का नाम दिया है कि बच्चे एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं। जब कोई बच्चा क्लास में अच्छा कर रहा होता है या क्लास में
किसी बच्चे ने अच्छा किया है और टीचर उसके लिए क्लैपिंग या कोई प्राइज इस तरह से देते हैं, तो बच्चा देख रहा है कि भाई ठीक है मेरे दोस्त को ऐसा कुछ प्राइज मिला, उसने ऐसा कार्य किया तो मुझे भी ऐसा वो काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने साथियों से भी मोटिवेट होता है। दूसरा, बच्चे के मन में जैसे यूज ऑफ प्रेस वर्ड की बात भी होती है। मालिया किसी बच्चे के लिए छोटी क्लास में उसकी कॉपी पर उसके किए गए कार्य के लिए गुड या वेरी गुड दे दिया जाता है, तो वो एक शब्द उस बच्चे को इतना मोटिवेट करता है। बच्चा अपने स्कूल से जब घर पहुंचता है तो भूख प्यास को छोड़कर वो अपनी मदर से शेयर करता है कि मम्मी आज मुझे क्लास में गुड मिला, मेरे टीचर ने मुझे वेरी गुड कहा। वो क्या है कि एक तरह से मोटिवेशन। तो मोटिवेशन सीखने की दिशा में, बच्चे के लिए लर्निंग की दिशा में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है। तो ये अब जैसे अब यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, आप लोग देख रहे हो कि एक घोड़ा जो है वो पानी में रस्सी से बांध के कोई व्यक्ति ले गया और घोड़ा पानी में खड़ा। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि कोई भी व्यक्ति घोड़े को रस्सी से बांध कर तालाब तक नदी तक ले जा सकता है, लेकिन वो पानी तभी पिएगा जब उसके अंदर इच्छा होगी, और उसके अंदर की जब तक इच्छा को आप जागृत नहीं करोगे तब तक आप रस्सी से बांध के ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। इसी तरह से क्लास में बच्चों के साथ भी होता है कि अगर बच्चों के अंदर से सीखने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है और उसके लिए हम नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से वो लर्निंग की दिशा में आगे प्रभावी रूप से नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स से लेकर टीचर तक ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को पहले सीखने के लिए तैयार करें, उनके अंदर कंटेंट के प्रति एक भूख बनाएं जिससे लर्निंग ज्यादा हो सके। ठीक, बिल्कुल।